त्रिपुरा সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার পরিস্থিতি সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে আশ্বাস জেলা শাসকের। মূর্তি ভাঙাকে কেন্দ্র করে যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত কিছু দুষ্কৃতীদের ইতিমধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। খুব দ্রুত তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন জেলা শাসক। ত্রিপুরা পশ্চিম জেলার জিরানিয়া মহকুমার অন্তর্গত দুর্গানগরের কৈতুলবাড়ি এলাকায় রবিবার রাতে যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রেক্ষিতে সোমবারও এলাকায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পশ্চিম জেলা শাসকের তরফে 144 ধারা জারি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ঘটনাস্থলে পর্যাপ্ত পরিমাণ পুলিশ এবং নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন রয়েছে। ঘটনা বিষয়ে সরজমিন জানতে সোমবার এলাকায় ছুটে যান পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার। তিনি নিজে স্থানীয় এলাকার মানুষদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন। বিশেষ করে কি ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তা জানতে চেষ্টা করেন তিনি। পাশাপাশি তিনি এলাকার বাসিন্দাদের আশ্বাস দেন গোটা বিষয়টি তদন্ত করে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। জেলা শাসক বলেন এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা হচ্ছে। যদি কারো কোনো সামগ্রিক ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে সরকারিভাবে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। যে দুটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে অবিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি হওয়ার মধ্য দিয়ে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে আলোচনার মধ্য দিয়ে তা মিটিয়ে নিয়ে আবারও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। খুব দ্রুত আগের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলেও তিনি আশা ব্যক্ত করেছেন। এছাড়াও জেলা শাসক জানান এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত কিছু দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করা হয়েছে, খুব দ্রুত তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন জেলা শাসক বিশাল কুমার। কাল রাত মে যে ঘটনা হুই হ্যায় বহুত হি দুর্ভাগ্যপূর্ণ ঘটনা হ্যায় আর পুলিশ কে সাথ প্রশাসন কে সাথ হম লোগ সবি লোগ মিলকে কাম কর রহে হ্যায় তাকি সমাজ মে অভি এক তরহ কা परिवेश थोड़ा ख़राब हुआ है उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए और हम सभी लेवल्स पे हर समाज के हर संगठन से चाहे वो सोशल लेवल हो पॉलिटिकल लेवल पे बात कर रहे हैं ताकि जो भी स्थिति आज कल रात से पहले थी उस वैसी स्थिति शांतिपूर्ण स्थिति आए और सभी तरह के सभी समाज के जितने भी घटक हैं वो आपस में शांतिपूर्ण तरीके से रहें और हम ये भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो शरारत जिसको बोलेंगे एक फाउल प्ले ही है क्योंकि इसके पीछे कौन है इसका भी पता नहीं चला है लेकिन उसकी भी हम जानकारी पता करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु आपके माध्यम से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि जो भी क्षति हुई है वो तो भरी नहीं जा सकती लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर समाज में किसी को भी नुकसान हुआ है कल की घटना को लेकर तो उसकी पूरी भरपाई सरकार की तरफ से की जाएगी और जो भी दोषी इसमें हैं उन सभी को सज़ा दी जाएगी। मैं आम जनता से और सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रशासन को अपना काम करने दें और किसी भी तरह के अफवाह के उस पर ना पड़ें। हम सब उनके साथ हैं, हर किसी के साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि और कोई दुर्घटना नहीं होगी। परंतु आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि किसी भी शंका से और अफवाह में कोई भी कदम ना उठाएं, यही मेरा निवेदन है। सर, किसी तरीके का पीस मीटिंग अभी होगा या फिर आने समय में? अभी हम लोग दोनों कम्युनिटी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जल्दी ही हम पीस मीटिंग भी कराएंगे। हम पहले व्यवस्था और अपने इंटेलिजेंस है उस पे ऊपर काम कर रहे हैं कि किस तरह का सिचुएशन है फील्ड में और उसी हिसाब से पीस मीटिंग भी कराएंगे। लेकिन हम खासकर जो इफेक्टेड लोग हैं उनके साथ हम पूरे संतावना हमारी साथ है और हम उनके साथ ही इंटरेक्ट कर रहे हैं मेनली और सिचुएशन देख के पीस मीटिंग भी बुलाई जाएगी। और सर, जो क्षति हुई आपने बताया कि किस तरीके का मुआवजा या फिर अभी इसका कोई असेसमेंट हुआ है या होगा एनालिसिस? अभी इसका असेसमेंट हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर को छोड़ के लगभग 7 से 8 फैमिलीज अपने घरों को छोड़ के गई हुई हैं
अमूमन जो अभी देखने में आया है कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम लोग कर सकते हैं, बहुत हाई स्केल का नुकसान नहीं हुआ है, परंतु इसके साथ साथ हमें उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लेना है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो पूर्व हर व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी हमारा जो प्राइम मोटिव है कि समाज में संतुलन रहे, समाज में शांति बरकरार रहे, और जो लोग भी अफेक्टेड हैं उनको जल्दी से जल्दी हमारी तरफ से सपोर्ट और सहायता मिले। तो सोशल मीडिया में अगर कोई इस तरीके का पोस्ट आए जो आप लोगों को लग रहा है कि प्रशासन को ये ठीक नहीं है, इसके अगेंस्ट में क्या कोई कड़ी कार्रवाई किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, कुछ लोग अपने सामाजिक या पॉलिटिकल माध्यम से भी इस तरह के इवेंट्स को यूज़ करते हैं जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस तरह के कमेंट पे या इस तरह के सोशल मीडिया कंटेंट पे हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ऑलरेडी हमने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है, तो मैं सभी समाज के सभी जिम्मेदार लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरी संतावना दिखाएं उन लोगों के साथ जो इफेक्ट हुए हैं, और समाज में ये चीज़ को बढ़ावा ना दिया जाए, और अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस तरह के कोई भी, खासकर जो हमारे समाज के जो सबसे सभ्य लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की कोई भी मीडिया कंपेन में ना शेयर करें ना कमेंट करें, और हम सरकार की तरफ से भी जितने भी कमेंट्स हैं उनके खिलाफ़ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।